अरुण गोविल हिंदी सिनेमा के वो कलाकार हैं जिन्होंने छोटे पर्दे पर भगवान राम के किरदार को अमर कर दिया। रामानंद सागर की रामायण में जिस तरह से अरुण प्रभु राम की भूमिका निभाते हुए नजर आए, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। छोटे पर्दे के बाद अब अरुण सिल्वर स्क्रीन पर एक और बड़ा किरदार अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। अरुण गोविल ने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म आर्टिकल 370 में अपने रोल की एक झलक दिखाई है, जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के रोल में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि अरुण गोविल के फैंस उनके इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अली फजल और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा जल्द माता पिता बनने वाले हैं। ये कपल का पहला बच्चा है जिसे लेकर दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। शुक्रवार को अली फजल और ऋचा चड्ढा ने आधिकारिक तौर पर एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की जानकारी शेयर की। अली फजल और ऋचा चड्ढा 23 सितंबर 2022 को शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों ने निकाह किया था। इनकी वेडिंग फंक्शन मुंबई, दिल्ली और लखनऊ समेत 3 शहरों में हुए थे। बीते साल अली फजल और ऋचा चड्ढा ने शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट की थी, तो वहीं अब कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है। शाहिद कपूर और कृति सैनन अभिनीत फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस को इस फिल्म का काफी ज्यादा इंतजार था। 50 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म पहले दिन ठीक ठाक बिजनेस करने में सफल रही। तो वहीं बात करें ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर की, तो ये फिल्म अब भी सिनेमा घरों में टिकी हुई है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर जैसे कलाकारों ने भी दमदार एक्टिंग की है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 200 करोड़ की ओर बढ़ रही है। वहीं तेजा सज्जा की हनुमान शानदार कमाई की वजह से ब्लॉकबस्टर घोषित हो गई है। कम बजट में बनकर तैयार हुई ये फिल्म हिंदी बेल्ट में भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को फिल्म ने 50 लाख रुपए का बिजनेस किया है। साउथ सुपरस्टार रामचरण किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पैन इंडिया फिल्म RRR के जरिए अभिनेता ने विश्व स्तर पर अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामचरण बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रामचरण संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनने जा रही फिल्म में काम कर सकते हैं। RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद रामचरण अब बॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रामचरण एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो जल्द ही एक बॉलीवुड फिल्म में काम करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली करेंगे। आपको बता दें कि हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिल्म कागज 2 का बेहतरीन ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म है। दिवंगत एक्टर को अंतिम बार बड़े पर्दे पर देखने को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके साथ ही सतीश कौशिक के जिगरी दोस्त यानी कि एक्टर अनिल कपूर भी कागज 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को लेकर अनिल ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है और अपने दोस्त को याद करते हुए कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय मित्र की ये आखिरी फिल्म बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो उन्हें अंतिम बार बड़े पर्दे पर परफॉर्म करते हुए देखूंगा। ये सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि एक इमोशन है। इस तरह से अनिल कपूर ने अपने दोस्त की लास्ट फिल्म को लेकर अपनी दिल की बात लिखी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।